आज का कार्यक्रम है। सर जी सर जी सुनिए तो, अरे मुझे भूल गए क्या आप? मुझे भी तो बुलाया आपने, मैं भी तो हूँ आज। एक मिनट, अपन कौन? महेश दुबे हास्य कवि, आप भूल गए क्या? तो भाई साहब आपको टाइम पे आना चाहिए ना, शो शुरू हो गया और आप पीछे से निकल के आ रहे हैं इस वक्त। मैं जरा मुश्किल में था सर, इसलिए लेट हो गया। क्या हुआ? मेरी पत्नी उम्मीद से है। ओह माय गॉड, मतलब क्या उम्मीद है? मैं जल्दी घर पहुंचूंगा यही उम्मीद है सर। चलिए, इतनी बड़ी मुश्किल आपकी है, भगवान करे मुश्किल जल्दी ठीक हो जाए। आ गए हो तो जरा बैठिए। ये लेट लतीफ महोदय आ गए हैं, लेकिन भाई कमाल का कॉम्बिनेशन हो गया, इधर भी दुबे हैं उधर भी दुबे हैं, और दोनों दुबे के बीच में कीर्ति है भाई। दुनिया में कीर्ति हमेशा हर व्यक्ति की फैलनी चाहिए, हम चाहते हैं आप लोगों की भी कीर्ति फैले। अब जब तुम आई गए हो, बैठ गए हो, तो सीधे खड़े हो जाओ और कविता सुनाओ। महेश दुबे, शैलेश जी जी, प्रेम करना हम लोगों का बहुत पुरखों के जमाने से खानदानी धंधा है। अच्छा? हाँ, मेरे पिताजी पूरे मोहल्ले को करते थे, दादाजी तो ब्रह्मांड भर को करते थे, और मैंने भी इधर उधर बहुत ट्राई मारी। अच्छा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि मुझे थोड़ा प्रेम से खानदानी बिजनेस छोड़ना पड़ा। खानदानी बिजनेस? हाँ, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी, कि संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई, ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गया। जब प्यार होता है तो फोन पे बातचीत होती है जी। हाँ, तो मेरा तो फोन पे भी छूट गया। अच्छा? हाँ, जो उनका फोन आया तो मुआये दिल धड़क उठा, आय हाय, हमारा दिल कलेजा फेफड़ा सब कुछ फड़क उठा, मगर आवाज पहचानी तो उनके बाप की निकली। हमारे डार्लिंग कहते ही बुढ़ा फिर भड़क उठा। अच्छा, अगली चार लाइन जी। लव वाली कसौटी पे कस के गोल्ड हो गए, हाय, पहले थे उफनते हुए अब कोल्ड हो गए, और महबूब ने बॉलिंग की मलिंगा की तरह से इश्क के मैदान में हम बोल्ड हो गए, आय हाय, बहुत अच्छे। पापा मेरे कहते थे बीवी है ऐसी घोड़ी, घोड़ी सर पर चढ़ा लिया तो करती है दौड़ा दौड़ी, उनके सबक को हमने कुछ इस हुनर से सीखा, रेजर से सर को मुड़ा एक घास नहीं छोड़ी। सर लेकिन हम खानदानी प्रेम करू लोग हैं, प्रेम करू, हाँ, इसीलिए हमारा अनुभव थोड़ा काम आ जाता है जी। देखो महेश जी, आप भी दुबे हो, मैं भी दुबे हूँ, दिल की प्यार की बात आप कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक सलाह दे सकता हूँ जी जी जी, कि दिल एक को दो पर नेक को दो। दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। सर का अनुभव बता रहा है कि पिछले जन्म में यही मेरे दादाजी थे। प्रेम के मामले में तो इस जन्म में भी तुम्हारे दादा ही हैं, लेकिन महेश को देख के इस लाइन को यूं भी कहा जा सकता है कि दिल एक को दो नेक को दो, ये जरूरी नहीं है किसी क्रैक को दो। आजकल की नौजवान पीढ़ी भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लव करती है, तो एक नौजवान कह रहा है कि तूने, ओहो मैंने, तूने फोकट में मेरी इज्जत घटा रखी है, सुनो, क्रोध की कड़वी वाली चटनी चटा रखी है, तुम्हें कह रहा है शाम तक आना है तो आजा मेरे ठीहे पे, वरना फुट मैंने दूसरी 10-20 पटा रखी है। इन्होंने बहुत सारी बातें की अपने अनुभवों की, प्यार मोहब्बत की जी। एक लड़की ने लड़के को SMS किया, जिया बेकरार है छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार। मैडम का अनुभव तो सुरेंद्र जी से भी ज्यादा निकला। तो मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ जी। जूती जूती बटती दाल, सुनो देश का क्या है हाल, क्या बात है, जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल, कोई मोटा फूले गाल, कोई पिचका सिकुड़ी खाल, पग पग पर है खड़े सवाल, सुनो देश का क्या है हाल, क्या बात है। देश की खातिर कोई न सोचे, स्वार्थ देश से बड़े हुए, अब के नेता कुर्सी पर हैं अजगर जैसे पड़े हुए, कुछ कहने पर मचे बवाल, सुनो देश का क्या है हाल, जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल।
अपना दिन भर बहे पसीना फिर भी कटती फाकों में, कोई बतला दे क्यों लीडर कमा रहे हैं लाखों में। अच्छे बहुत अच्छे। राजा बन गए ठनठन पाल, सुनो देश का क्या है हाल, जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। और बिद्दी सा है एक पड़ोसी लेकिन हम पर भारी है, अच्छा। उसके थप्पड़ खाते रहने की कैसी लाचारी है, अच्छे। सूझ गए हैं दोनों गाल, सुनो देश का क्या है हाल, जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। और अभी आप लोगों के सामने बजट आया, दो पंक्तियां दे रहा हूँ जी। हाँ। मंत्री की कुर्सी ने कह दी नई कहानी है, कुत्तों का बिस्कुट है सस्ता महंगा दाना पानी। वाह 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 वाह। उतर गई जनता की खाल, सुनो देश का क्या है हाल। बहुत अच्छे। लेकिन देश में सब कुछ गलत ही गलत नहीं हो रहा शैलेश जी? जी एक बढ़िया बात हुई है, उस पर आखिरी पंक्तियां दे रहा हूँ। आजकल इतना क्रेज चला हुआ योगा का, क्या बताऊं मैं, मॉर्निंग वॉक को जाता था बंद कर दिया, आजकल हर झाड़ी के पीछे से फू फा फू फा। समझ में नहीं आता अंकल योगा कर रहे हैं कि कोई अजगर छुपा हुआ था। मेरे पड़ोस में एक आदमी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए, अच्छा। तो एक का नाम रख दिया अनुलोम, एक का विलोम। मैंने कहा बेटी पैदा हो जाए भ्रामरी नाम रख देना, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा बाबा से कहा हमने, हमें ये बताइए बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाइए। अच्छा। बाबा की बात मान के मैंने घिसे नाखून, मार्च भी घिसता रहा अप्रैल मई जून, एक रोज जो देखा तो गिरा उंगली में से खून, ना बाल उगा एक भी, सब गिर गए नाखून। मैंने भी योगा किया, मुझे फायदा हुआ है। फायदा होता है, मेरी बाम की बाटली घूम गई थी, अच्छा। शैलेश जी शीर्षासन किया पलंग के नीचे दिख गई, फायदा हो गया योगा बन। तो मैंने बाबा जी की बड़ाई भी की है तो मैं उन्हें अपने हिसाब से करता हूँ, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, सुनना मजा लेना आप। एक ही बाबा ऐसा है जिसने भारत को जगा दिया, सुबह सुबह 6 बजे उठाकर काम पे सबको लगा दिया, वारे बाबा किया कमाल, सुनो देश का क्या है हाल, जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। हाँ भाई महेश, तुम बहुत, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी जल्दबाजी नजर आ रही है, ऐसा क्या बीवी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है? सर एक्चुअली बीवी होती तो इतनी जरूरी नहीं थी, प्रेमिका है। ओ हो हो हो, अब समझ में आया, क्योंकि आदमी बीवी के पास जाने की इतनी जल्दी तो नहीं करता। अब इस वक्त कैमरे ऑन है, तुम्हारी पत्नी भी देख रही होगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वही मेरी प्रेमिका है, ऑन रिकॉर्ड। वही मेरी प्रेमिका है, इतने मासूम नजर तो नहीं आते हो भाई। खैर, दाएं मुड़, पीछे मुड़, क्या नजर आ रहा है? सीढ़ियां और रास्ता, निकल ले। थैंक यू।